हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। मैं अन अकेडमी भी हूँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्री लर्निंग ऐप है। इसमें मैंने मैथ्स के लेसन्स बनाए हुए हैं, जो सीडीएस, एसएससी तथा सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाभदायक हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग अन अकेडमी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ये पहली वाली एक्सरसाइज हो गई थी, आ गया समझ में। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है हमको। तो पहले मैंने वो बता दिया था चार्ट बना के किस क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसी का यूज यहाँ पे होगा। और उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जो साइन एक्स का कॉस एक्स का ये तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, साइन का जो ग्राफ होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। वन ले लिया, माइनस वन ले लिया, या जीरो से स्टार्ट होगा, फिर ये कितना आएगा, पाई आएगा, फिर इधर कितना आएगा, ये टू पाई आएगा ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ गया, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ, जैसे माइनस पाई हो गया, इधर माइनस टू पाई हो गया, तो यहाँ से करोगे, यहाँ पे लेते हो तो ऐसे सेम ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे, फिर जाके, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री पाई ऐसे। तो ये देख रहे हो, इधर आपका माइनस वन आएगा, थोड़ा और इधर जाएगा, और ये वन आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन आएगी यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं जीरो से लेके पाई बाई टू पे, सॉरी ये पाई बाई टू होगा, ये पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, ये थ्री पाई बाई टू होगा, ये टू पाई होगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा एक साइकिल टू पाई होता है ये, और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा, फिर ऐसे चला जाएगा, इधर इधर चला जाएगा माइनस टू पाई। आगे समझ में, ये पाई बाई टू पे साइन क्या होता है, 90 की वैल्यू वन होता है ना, हमने पढ़ा था। तो देख रहे हो जीरो से लेके और 90 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। जीरो से लेकर 90 तक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और फिर 90 से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई यहाँ तक, आगे माइनस वन, यहाँ से फिर वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, यहाँ जीरो है, जीरो से बस टू पाई, टू पाई के बाद साइकिल फिर क्या हो रहा है, चेंज हो, जैसे यहाँ से आया था ऐसे टू पाई के बाद साइकिल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कई बार साइन एक्स जैसे दिया, वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स है ये इधर, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो गया इधर, ठीक है। तो ये जो कर्व है आपका टू पाई, इसका पीरियड कितना है, हर टू पाई पे क्या होगा, चेंज होगा, ये पीरियड होता है ना, हर टू पाई पे वैल्यू क्या होती है, ये चेंज हो रही है। तो साइन एक्स का पीरियड कई बार पूछता है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का पीरियड कितना होता है, टू पाई होता है, कितना होता है, टू पाई होता है। निकालने के लिए वही प्लॉट करने के लिए जैसे है कि जैसे हम लाइन को प्लॉट करते हैं ना, उस तरह जीरो ले लो, थर्टी ले लो, सिक्सटी ले लो, ऐसे बना के बनाते हैं, बाकी ऐसे साइन एक्स बनता है। कॉस का बनाना हो तो कैसे बनेगा, कॉस एक्स का कर्व बनाना हो हमको तो छोटा करके बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ मान लो ये वन है, ये माइनस वन है, यहाँ से शुरू होता है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा ऐसे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, वन है। साइन जीरो पे किसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, और इसकी, और ये क्या है, पाई बाई टू यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टू पाई आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से शुरू हुआ जीरो से, अब फिर ये टू पाई बाद फिर से वही साइकिल आ रही है ना, तो इसका भी क्या होता है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी आपका पीरियड क्या होगा, टू पाई ही होगा। आगे बात समझ में, और ऐसे ही फिर क्या होगा, ये ऐसे चेंज होता चला जाएगा, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन आएगी। तो इस तरह ये देखो कर्व से क्या हुआ, देख रहे हैं कि जीरो से यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, जीरो से 90 तक डिक्रीज। तो इसी तरह कोई तुमसे पूछे यहाँ पे कि साइन वन और साइन टू और साइन थ्री, ये वन क्या है, रेडियन है, वन क्या है, रेडियन है, टू क्या है, रेडियन है, थ्री क्या है, रेडियन है। तो वन किसके आसपास था, 60 के आसपास था ना, 57 डिग्री था। तो साइन जो आएगा वो क्या आएगा, आपका वन ऐसे बढ़ रहा है ये, तो यहाँ जैसे मान लो कि कितना आ रहा है, ये 45 हो गया, 60 यहाँ करीब आएगा, ये 60 से क्या आएगा, पहले आएगा थोड़ा सा, ये 60 से पहले आएगा ना, और ये टू क्या होगा, 60 से इसका डबल कितना होता है, 120,
120 से और 6 डिग्री और पहले आएगा। तो देखो होता क्या है कि ये 60 पे यहाँ बन रहा है, 120 पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे कितना है, ये 90 है, 90 के 30 ये हो गया। अब ध्यान से एक चीज़ समझो कि ये कर्व कोई ऐसे जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इसके जितने डिस्टेंस भी ये चीज़ है उतने डिस्टेंस भी इधर चीज़ ले रहे हो, ये 60 है और ये 120, ये बीच में क्या है 90 है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी है। वैसे भी साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है, बात समझ में आ रही है। अब इसके इधर कोई लाइन हो, इसके इधर कोई लाइन हो, ये लाइन है रेड, ठीक है, और इसके इधर कोई लाइन हो, ये इधर, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, मेरी बात समझ पा रही है, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ है, तो इसके पहले वाली ये रेड लाइन, ये रेड लाइन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये रेड लाइन कम होगी, ये क्या थी, वन थी, ये क्या थी, टू थी, मतलब टू की वैल्यू क्या होगी, वन से ज़्यादा होगी, साइन टू की वैल्यू क्या होगी, साइन वन से ज़्यादा। ये तो क्वेश्चन आता है, क्या हो जाएगा आपका, साइन टू जो है आपका ग्रेटर देन क्या हो गया, साइन वन, ये तो बात समझ में आ गई। अब हमको किससे कंपेयर करना है, साइन थ्री से, साइन थ्री कहाँ आ जाएगा, 180 के थोड़ा सा पहले, तो आपका ये देख रहे हो यहाँ पे, ये 180 यहाँ है ना, थोड़ा सा पहले क्या होगा, ये तो साफ ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा होगा, साइन जो आपका 180 आएगा, सॉरी साइन क्या हुआ 3 डिग्री, आपका रेडियन, साइन क्या आएगा 3 रेडियन, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो 2 सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा क्या होगा 1 है, उस सबसे छोटा क्या हो गया आपका, साइन 3 हो गया, डिग्री नहीं हो सॉरी, ये 1 आएगा, ये रेडियन है। तो ये कई बार पूछ लेता है कंपटीशन वगैरह में कि साइन 1 साइन 2 और साइन 3, ये 1 आपका क्या है, रेडियन है, डिग्री नहीं है, तो इसमें हमको निकालना हो तो 2 ध्यान रखो पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ये लिख लो। अब कॉस में देखना हो तो देखो, कॉस 1 लोगे आप, कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3, देखो कॉस 1 जो है वो इसमें पॉजिटिव में आएगा, और कॉस 2 कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो सबसे बड़ा तो 1 है, ऐसे ही पता चल गया। देख रहे हो ये कॉस 60 इधर कहीं आएगा ना, और ये 120 इधर नीचे चला गया है, तो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस 3 कितना हुआ, 180 के आसपास, तो 180 के आसपास इसके पहले तो सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, नेगेटिव तो जो बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्या समझ में आया, कि 3 भी इसमें छोटा ही है आपका, कॉस 3 ये छोटा ही है, और बड़ा कौन सा है इसमें, 1 बड़ा है, इसमें कितना कौन सा बड़ा था, 2 बड़ा था, तो कॉस में क्या होगा, कॉस 1 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, कॉस क्या हुआ 2, सबसे छोटा क्या है, कॉस क्या है 3। ये बात समझ में आ रही है, देखो ये ध्यान समझना, 3 क्या होगा, पाई के पास, तो ये वैल्यू क्या रही है, निगेटिव आ रही है, लंबी लाइन जो है, ये 1 क्या था, ये 2 का था, ये 3 का था, किसके लिए, कॉस का था, तो ये दोनों लाइन लिख लो, ये कई बार काम आता आप लोगों को, ठीक है। टैन का घर से निकाल के खुद लाना, टैन 1 टैन 2 टैन 3 का ग्राफ से, इसमें बुक में ग्राफ दिया है, उसको खुद देखो कि क्या आएगा। चलो इसको नोट करो, ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। उत्तम नगर दयाल सौ रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जहाँ एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। अब देखो ये इसमें दिया ना टैन एक्स का, और ये बाकी का इसी में समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब देख रहे हो टैन एक्स का क्या होता है, टैन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, और टैन 90 क्या होता है, जैसे ये दिया है कर्व ऐसे, तो जीरो पे जीरो आएगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये ऐसे चलता है, फिर ये ऐसे चलता है, क्योंकि 90 पे टच नहीं करेगा कभी, 90 पे नॉट डिफाइन, इधर भी आपका टच नहीं करेगा ये, ठीक है, बुक से देख के समझ लो इसको, तो टच नहीं करेगा 90 के, ये टच करके जाएगा, ठीक है। हाँ ये चलता चला जाएगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये आपको ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, क्योंकि टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, और जीरो पे जीरो हो गया, इस पर ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो कि आप जो आपका ये बनता है टेन, हर पाई पे ही चेंज हो रहा है, कॉस का जो कर्व था वो क्या हो रहा था, टू पाई पे चेंज हो रहा था ना, पीरियड वहाँ 2 पाई था, यहाँ पे क्या है आपका पाई है, टेन का क्या होगा पीरियड पाई है, उसी तरह आपका कॉट का भी पीरियड क्या है पाई है, आ गया समझ में, तो ये इसको देख लेना। अब इसमें देखो सेक और कोसेक में क्या दिया है,
सेक और कोसेक में देखे जैसे होता क्या है कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। तो जब हम उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वन से ऊपर जाएगी और इधर माइनस वन से नीचे आएगी। इसीलिए जो कर्व दिया है इसमें सेक का और कोसेक का क्या दिया है, देख रहे हो, वन और माइनस वन के बीच नहीं आएगा, वन और माइनस वन के बीच इसकी वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू लोगे आप, तो जैसे मान लो वन और माइनस वन के बीच कोई वैल्यू ले, तो उसका जब रेसिप्रोकल करते हो तो वन से क्या होगी, बड़ी आएगी वो। जैसे मान लो कि इसके बीच में आपने 0.5 ले लिया, तो 1/0.5 निकालोगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर कितना हुआ, 10 हो गया, 2 आ गया। तो कोई भी वैल्यू हम लेंगे इसके बीच में, तो उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1 से बड़ी होगी या माइनस 1 से नीचे छोटी होगी। आगे बात समझ में। इसीलिए इसका जो कर्व दिया है आपको यहाँ बुक में देखोगे, सेक और कोसेक का, वो 1 से ऊपर और इधर नीचे माइनस 1 से नीचे आया है। आगे बात समझ में। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ये जो एग्जाम्पल्स दिया घर पे कर लेना खुद ही, जो नहीं आएगा मैं बता दूँगा। किसका सेक का क्या चीज़ चेंज होगा, नहीं देखो इसका पीरियड क्या है, कहाँ गया सेक का पीरियड, देखो ना कितने बाद चेंज हो रहा है, 2π बाद चेंज तो हो रहा है, ये 2π में चेंज हो रहा है, जो साइन का था वही इसमें भी आएगा, 2π के बाद ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दो कर्व के बीच देखो ना डिस्टेंस कितना है, जो सेम कर्व है इसमें भी देख रहे हो, दो पॉइंट आप देख लो ना, तो 2π इसमें टेन और कॉट में पाई था, साइन और कॉस में 2π है, तो कोसेक और सेक में भी 2π आएगा जो पीरियड होगा। क्लियर हो गया। अब 3.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन में क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, थ्री पॉइंट टू देखो इसमें दिया है कॉस एक्स की वैल्यू, पहला दिया है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और x कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, आ गई बात समझ में, कहाँ लाइज कर रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब देखो ये cos x दिया है, आपको सारी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, 1, 2, 5। अब देखो साइन के बाद cos निकालना आसान है, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये आसान क्वेश्चन है, कॉस साइन एक्स, साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये प्लस माइनस लगा दो क्योंकि देखेंगे क्या साइन आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 1/4, 3/4 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, √3/2। तो हम साइन कौन सा लेंगे, थर्ड में, थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस √3/2, साइन एक्स निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, आगे बात समझ में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। अब देखो साइन और कॉस आ जाने से बाद सारी समस्या हल हो गई, टैन निकल जाएगा, टैन कितना होता है, टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना है, माइनस √3/2 और माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया, √3। और जब ये आगे इनके क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखने हैं, साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसेक, कोसेक एक्स कितना होगा, माइनस 2/√3, सेक एक्स माइनस 2 और कॉट एक्स 1/√3, आ गई बात समझ में, इस तरह सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, टेंथ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ तक तो बिल्कुल टेंथ लेवल का है, बोलो तो एक और बता दूँगा, कर लोगे, कर लो। चलो अब अगला क्वेश्चन मेन करते हैं, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द 6 to 10, लिख रहे हो, हाँ ठीक है, लिखो जल्दी। स्टूडेंट्स, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारे कोर्सेज बना रहा हूँ जो बेसिक मैथ्स है, जो किसी भी कंपटीशन में आती है, NDA, CDS, SSC, CGL,
जो आप लोग को ट्रिकी मैथ्स होती है, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस लर्निंग ऐप में बहुत सारे इंग्लिश और भी मैथ्स के अलावा भी, क्योंकि मैं मैथ्स का एजुकेटर हूँ, मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और मेरे को जो सर्च करना है उसमें ऐप पे जाके अशोक कुमार प्रजापति सर्च में लिखेंगे तो पूरा मेरा नाम से मेरा कोर्स खुल जाएगा। और उस कोर्स को आप लोग देख के मेरे को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे लाइक कीजिए वीडियोज़ को और अपवोट कीजिए, और रेट और रिव्यू करना मत भूलिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैथ्स एंड मोर के नाम से, अभी अभी बना अकाउंट मेरा, तो इस पे भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी मैं बहुत सारे ट्रिकी मैथ्स के वीडियो बना के छोटे छोटे एक एक मिनट के अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स। सिक्स क्वेश्चन है साइंस 765 डिग्री। साइंस 765 डिग्री, देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं ना 360 का मल्टीपल क्या होता है, 2 करोगे तो कितना आएगा 720 में क्या ऐड करेंगे क्या आएगा 45। इसको बना लेंगे हम साइन 2 इंटू 360 प्लस कितना हो जाएगा 45। 360 के मल्टीपल में लेते जाओ उसको, देखो प्लस माइनस करके, तब ये कौन सा फार्मूला लगा इसमें, साइन 2n पाई प्लस थीटा, किस में जाएगा ये फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होता, क्या जाएगा इसमें साइन थीटा, तो क्या जाएगा ये साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2 आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे होगा, एक राउंड लगाएगा पूरा, फिर दूसरा राउंड लगा के फिर ये आया जाएगा, ये होगा आपका साइन आपका 765 डिग्री। समझ में आई बात, दो कंप्लीट राउंड लगाया उसके बाद भी फर्स्ट में फिर आ गया, तो ये आपका 765 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। सेवेंथ करते हैं, क्या चीज ये लिखा है 2n पाई, n पाई 2n पाई थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। सेवेंथ दिया है, ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, कोसेक माइनस 1/4 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक ये पहले दिया ना माइनस थीटा, किस में जाएगा फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ में क्या लगाएंगे माइनस कोसेक थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा की जगह क्या आएगा पूरा आएगा ये 1/4 10। इतनी बात समझ में आ रही है, कोसेक क्या था बताया था ना कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि तो साइन जैसे निगेटिव होता है फोर्थ में, तो कोसेक भी निगेटिव होगा। अब इसको ब्रेक करना है तो को 720 का डबल करोगे तो कितना होता है 1440 होगा ना, अब 1440 में से कितना कम है 30 कम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो माइनस कोसेक 4 into 360 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, 4 into 360 करोगे तो आ जाएगा 1440, 30 माइनस करेंगे तो 1410 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये, अब इसको लगाओगे तो क्या होगा ये 2n पाई माइनस थीटा किस में जाएगा फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में जाएगा फिर ये निगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में कोसेक क्या होता है निगेटिव, क्योंकि साइन निगेटिव तो कोसेक निगेटिव, तो माइनस पहले से था और माइनस यहाँ आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या है तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। एट क्वेश्चन पर ये फार्मूला होता है ना 2 into 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई मतलब पाई 360 होता है, जैसे कोई भी स्तर लेते हो ना साइन n इंटू 360 अब प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही होगा। अच्छा। 360 के मल्टीपल में कोई भी लेते हो, हाँ ठीक है 1 2 3 4 5, अब प्लस थीटा है तो साइन थीटा होगा, अब माइनस यदि हो ना थीटा वहाँ पे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि वो फोर्थ में चला जाएगा, दो चक्कर काट के प्लस इधर गया और ये जैसे था ना ये वाला एंगल 1 2 3 4 यहीं रह गया, ये पूरा चौथा चक्कर नहीं काट पाया इसलिए फोर्थ में आ गया, 30 डिग्री पीछे रह गया वो, तो ये कितना था
तो सेकंड थर्ड में वो तो देख लेंगे ना कहाँ जा रहा है। सेकंड थर्ड के लिए बताया था ना कि पाई प्लस थीटा आएगा, पाई माइनस थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा आता है और थर्ड के लिए क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो पाई के मल्टीपल में आएगा ना वो, पाई टू पाई थ्री पाई फोर्थ, चेंज भी तो हो जाएगा ना वो जब आएगा तो उस तरह चेंज कर देंगे। बड़े एंगल तो पहले 360 के मल्टीपल में देखेंगे ना, और उसके देखोगे तो पाई के मल्टीपल में पाई थ्री पाई फाइव पाई, तो फिर और फार्मूला ज़्यादा बन जाए इसलिए उसको नहीं बताते हैं। ऑड में भी बनाना चाहो तो बन जाएगा फार्मूला पाई के मल्टीपल में भी, पाई थ्री पाई फोर पाई एन पाई, टू एन पाई जैसे बना है ना उसका भी बन जाए, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी को तुम ब्रेक कर लो ना 360 के बल, ये बड़ा एंगल भी आ जाता तो फिर ब्रेक हो जाएगा ना वो, क्योंकि फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना और मुश्किल होता जाएगा। और ये ब्रेक करके फिर ये फार्मूला अपना, मान लो कि यहाँ पे ये सपोज करो, एक तरीका बताता हूँ कि जैसे मान लो कि ये कितना होता है 1440 ना, 120 माइनस कर दो इसमें से तो कितना जाएगा ये 0 2 3 1। मान लो तुमको ये कोई दे देता कि हमको इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू साइन 1320, हमको इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है साइन 1320, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन 4 × 360 माइनस 120, यही लिखेंगे ना साइन इंटू 360 1440 होगा, 4 से इंटू करोगे और 120 माइनस करोगे तो 1320 आएगा। अब ये फार्मूला वही लगेगा आपका, क्या लगेगा साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो किस में जाएगा ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में क्या होगा निगेटिव होगा, तो क्या लगेंगे आप माइनस साइन 120, थीटा की जगह जो ये है यही आपका थीटा है 120 डिग्री। अब 120 नहीं पता है, फिर इसको ब्रेक करेंगे, चाहे 90 पे ब्रेक करो चाहे 180 पे ब्रेक करो, तो कोशिश हम करते हैं 180 पे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 180 माइनस 60, अभी किस में चला गया सेकंड में चला गया, तो सेकंड में चला गया तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए क्या आएगा ये माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 कितना होता है माइनस रूट 3/2, आ गई बात समझ में। तो दो बार चेंज कर दिए, जैसे ये एक बार में आ गया दो बार भी चेंज कर सकते, हाँ जब 180 के साथ हो 360 के साथ हो ये तो थीटा आएगा, बस ये साइन चेंज होता रहता है। 90 के साथ आता तो साइन का कॉस हो जाएगा, 90 या 3 तुम्हारा 70 आएगा ना, सॉरी 270 हाँ 90 और उसका अपोजिट जो नीचे आता है तुम्हारा 270, उसके साथ प्लस माइनस होगा तो क्या होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन हो जाएगा, आगे समझ में। हाँ थीटा ही आ जाएगा, आगे समझ में। क्या था ये था ना कि साइन 31 पाई बाई, अब देखो 31 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 10 जा कितना होगा 31 बचेगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको, अब पाई भी लगा रहेगा साथ में कि पाई टाइम जाएगा पाई बचेगा, क्या आ गया तुम्हारा 31 पाई अपान 3, किसको क्या लिखेंगे 10 पाई प्लस कितना हुआ पाई बाई 3, देखो सिंपलीफाई करो ऐसे हो गया। नहीं तो एक और तरीका बता रहा हूँ, इसको साइन लिख दो, 31 को क्या लिख सकते हो 30 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं ना अपॉन 3, भाई 3 के मल्टीपल में देखो ना कितना ये कटेगा, ये प्लस में या माइनस में, तो कितना हो जाएगा साइन 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा ऐसे 30 पाई पाई 3 प्लस क्या हो गया पाई बाई 3, तो ये हो गया साइन 10 पाई प्लस कितना हो गया पाई बाई 3। इतना समझाने तो एक ही लाइन लिखना था, दो लाइन ऐसे समझाने के लिए लिख दिया। अभी क्या होगा साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फर्स्ट में जाएगा ना ये, सर इसको पाई प्लस थीटा भी तो ले सकते हैं, किसको पाई प्लस थीटा ले रहा है सर 10 पाई जो लिखा हुआ है, हाँ उसको पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले में, क्यों पाई प्लस थीटा लोगे 10 के साथ है ये, 10 पाई प्लस थीटा कैसे, 10 अलग थोड़ी, 10 इंटू पाई प्लस थीटा आप कह रहे हो, 10 इंटू पाई प्लस थीटा ऐसे लेने के लिए, हाँ 10 पाई तो 10 तो पाई के, तो 10 पाई तो 2n पाई बन गया ना, पाई प्लस थीटा तो नहीं बना ना ये भाई, 10 जब पाई करोगे ना पाई प्लस थीटा तो इसे मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें दोनों मल्टीप्लाई होगा तब आएगा ना ये, आई बात समझ में। तो इसमें क्या आएगा ये आएगा 10, तो ये कौन सा फार्मूला आएगा 2n पाई प्लस थीटा, आ गया समझ में, तुमको नहीं समझ में आया, आ गया, तो कितना हो गया ये साइन n पाई प्लस थीटा कितना हुआ साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा ये साइन
पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री कितना होता है रूट थ्री बाई टू, आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करो, टेन दिया है नाइनटीन पाई बाई थ्री। जब क्वेश्चन आता है तो इजी तो लगेगा ही। देखो 19 को करोगे तो क्या हुआ, थ्री सिक्स जाए कर रहे हो, हाँ हाँ 18 हो जाएगा, 18 पाई प्लस पाई तो 18 को डिवाइड करो थ्री से कितना हुआ, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 18 प्लस पाई होगा, 18 थ्री से डिवाइड होगा सिक्स आ गया, ये 2n पाई का लगेगा, प्लस हो रहा है तो फर्स्ट में जाएगा तो रूट थ्री आ जाएगा, 10 पाई बाई थ्री क्या लगेगा इसमें, टेन जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा तो 10, 2n पाई प्लस थीटा 10 थीटा होगा, 10 30 आएगा पाई बाई सॉरी 10 पाई बाई थ्री आएगा 60 डिग्री, तो ये रूट थ्री हो जाएगा। इसी तरह दिया है कॉट का, दिया है कॉट माइनस 15 बाई फोर, नाइन्थ का, अब चलो वो भी करते हैं, साइन माइनस 11 पाई बाई थ्री, साइन माइनस 11 पाई बाई थ्री, पहले तो माइनस हटाओगे क्या बनेगा ये माइनस आ जाएगा, साइन 11 पाई बाई थ्री, 11 को करोगे थ्री से क्या होगा, थ्री फोर या 12, 12 के पास आ रहा है तो माइनस आएगा, क्या हो जाएगा इसको लिखोगे माइनस साइन फोर 11 फोर, हाँ नाइन्थ थ्री नहीं, टू के मल्टीपल में लेना चाहिए, टू के टू एन पाई के फार्मूला आता है ना, टू एन पाई प्लस टू एन पाई माइनस, वो वाला मैं ऑड वाला फार्मूला बताया ना कि और फार्मूला बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें फोर पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई, देखो थ्री फोर या कितना हुआ ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस वन आ गया ना इलेवन, इसको जब सिम्प्लीफाई करो तो यही चीज़ आना चाहिए, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में भाई, ये इसको तुम लिख सकते हो ना ट्वेल्व पाई माइनस पाई, 12 क्या हुआ 3 से कट गया तो 4 आ गया, तो 2n में आ गया ना ये 2n पाई पाई, तो क्या होएगा साइन 2n पाई माइनस थीटा किस में जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में फिर नेगेटिव होगा वो, और नेगेटिव पहले से था तो कितना हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, अब ये क्या बचा 10, 10 क्या दिया है कॉट माइनस 15 बाई फोर, कॉट माइनस 15 पाई बाई फोर, हाँ तो पहले तो माइनस आएगा कॉट 15 पाई बाई फोर, अब क्या फोर फोर या 16, तो ये 16 में से तो माइनस आएगा, फिर माइनस कॉट क्या हुआ 16 तो 4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई फोर, तो कॉट आपका 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस कॉट क्या हुआ पाई बाई फोर, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, आगे बात समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, एक्सरसाइज हो गई ये भी। कौन कॉट पाई बाई फोर 45 डिग्री होगा ना, पाई बाई फोर होगा ना 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 1 होता है, हो गया आ गया समझ में, किसी को डाउट कोई नोट कर लो इसको। स्टूडेंट्स मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसका लाइसेंस की बात हो रही है, तो जिसको जिसको ऑनलाइन क्लास लेना है नाइन्थ का, टेंथ का, एलेवेंथ का, ट्वेल्थ का, या एनडीए, सीडीएस और एसएससी सीजीएल का मैथ्स जिसको भी पढ़ना हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9289882878 इस पर अपना नाम, नेम और क्लास, उसके बाद से किस शहर में रहते हैं, सिटी का नाम आप मेरे को भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, और जब भी यहाँ से ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू होंगी तो सबसे पहले जो पहले भेजा हुआ है उस बच्चों को भेजा जाएगा, और उन बच्चों को हफ्ता 10 दिन ऑनलाइन फ्री क्लास दी जाएगी, उसके बाद जिस बच्चों को जो उसमें समझ में आएगा पसंद आएगा तो आगे वो आपका कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आप लोग रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो आप इसको व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास और शहर का नाम लिख के भेज सकते हैं, जिस चीज़ के लिए 9, 10 से लेकर 12 तक एनडीए, सीडीएस और सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। थैंक्स। ठीक है, ये सेकेंड बता रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड था 10 माइनस 28 पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो ये माइनस आ जाएगा,
टेन 28 पाई बाई 3, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, फिर ये माइनस आ जाएगा टेन, एक मिनट देखते हैं ये कितना होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये, इसको ना लिख देंगे 30 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है, तो ये हो गया माइनस टेन, क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। अब टेन ये क्या हुआ, एन टू एन पाई माइनस थीटा माइनस आता है, ये माइनस प्लस कर देगा इसको, माइनस माइनस आ जाएगा ये टेन 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू आ गया टेन 2 पाई बाई 3, फिर इसको ब्रेक कर दो, टेन पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस टेन माइनस रूट 3। इसका आंसर, इसका आंसर क्या आया, वही आ रहा है, हो सकता है वही आ रहा हो, इसके आगे माइनस आ गया ना कॉट 22 पाई, तो माइनस हो जाएगा कॉट, हाँ 3 8 जा 24 करेंगे, हाँ तो 8 पाई 3 8 जा 24, 8 पाई माइनस 2 पाई 3 8 जा 24 माइनस, ठीक है, तो ये 2n पाई माइनस थीटा हो गया, तो माइनस आएगा तो प्लस कर देगा इसको, कॉट 2 पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू फिर वही आएगी कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, क्या हो गया ये माइनस कॉट पाई बाई 3, इसके माइनस 1 बाई। ये मैं इसलिए बताया कि दो बार भी ब्रेक करने के लिए आ सकता आप लोगों को, इसलिए बता दिया, एक और दे दें, चलो लास्ट, हाँ माइंड थक गया, माइंड थकना नहीं चाहिए ना, कॉस है 26 पाई बाई 3, टू नहीं दे रहे हैं ना, टू में तो फिर कट जाएगा ना वो, थ्री में ही तो इधर जाएगा ज़्यादा, चलो